क्या होगा अगर सुपर हीरो के 6 गॉड पावर्स शज़ाम और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज ही पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ाम या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ाम और रावण दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टंट की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे करेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें शज़ाम की, तो शज़ाम का असली नाम बिली बैटसन है जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुनके अपनी पावर्स दी है। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें शज़ाम की पावर्स की, तो शज़ाम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ाम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है, स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ाम की पावर्स। और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सुर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका अशोक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हरा कर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों के आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमशास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी है जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो इन्हें यूज करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ रावण है जो कि अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है जो कि ऑब्वियसली शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते, इसलिए शज़ाम के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे और शज़ाम को वार्निंग दे के छोड़ दे कि मूर्ख तुझ
प्राणी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर जैसा कि हम जानते हैं, शज़ाम भी एक टिपिकल मार्वल और डीसी सुपर हीरो है जो कि पीछे नहीं हट सकता और मरते दम तक लड़ेगा। इसलिए उसे इस फाइट में मरते दम तक ही लड़ना होगा और वो मरेगा भी। और रावण के साथ उसकी फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। पर अगर उसे उसकी सभी पावर्स भी मिल जाए, जैसे ब्लैक एडम को मिली है और उसने अपनी पावर से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हराया है, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इवन इन सब पावर्स के साथ भी शज़ाम रावण के आसपास भी नहीं है और वो रावण की पावर्स को कभी भी मैच नहीं कर सकता। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और रावण ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ाम अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपना सुपर पावरफुल अटैक करता है जिससे रावण का सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर भी रावण नहीं मरेगा बल्कि वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और वो इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। हाँ, क्योंकि शज़ाम एक ह्यूमन है इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है जो कि शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। और शज़ाम किसी भगवान का अवतार भी नहीं है। अगर विभीषण शज़ाम के पास जाके उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है। इन दी एंड शज़ाम ना ही रावण को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण थोड़े ही टाइम में शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेटर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।